हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि तांबे के तीन तारों के द्रव्यमान एक अनुपात तांबे के तीन तारों के द्रव्यमान एक अनुपात तीन अनुपात पाँच के अनुपात में है। द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान को डिनोट करते हैं एम से। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, देखो यहाँ पर कह रहा है कि तीन तारों के द्रव्यमान एक अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में है। द्रव्यमान होता है एम वन एम टू एम थ्री, लिख लेंगे तो एम वन रेशियो एम टू रेशियो एम थ्री यहाँ पे दिया गया है, एक अनुपात तीन अनुपात पांच। आगे है उनकी लंबाइयां पांच तीन एक के अनुपात में है। लंबाइयां क्या होती हैं? लंबाई लिख लेंगे एल वन अनुपात एल टू अनुपात एल थ्री, कितनी है? पांच अनुपात तीन अनुपात एक के अनुपात में है। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, देखिए उनके वैद्युत प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात कीजिए। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? आर वन, तो आर वन अनुपात आर टू अनुपात आर थ्री हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यह तो निकालना है। तो बस इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझो, यहाँ पर आप लोग आर वन अनुपात आर टू अनुपात आर थ्री बराबर हो जाएगा आपका एल वन स्क्वायर अपान एम वन रेशियो एल टू स्क्वायर अपान एम टू रेशियो एल थ्री स्क्वायर अपान एम थ्री। बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एल वन का मान आपको दिया गया है, एल वन का पाँच और एम का है, इसका स्क्वायर करेंगे बेटे एक लिख देंगे रेशियो। एल टू का मान आपका है तीन, तो तीन लिखेंगे इसका स्क्वायर, और बटे में एम टू कितना है आपका है तीन, इसको लिख देंगे। ठीक है, एल थ्री कितना आपका है? एल थ्री आपका है एक, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, और एम की थ्री कितना है? फाइव, इसको लिख देंगे। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, पाँच के बाद 25 बटे एक हो जाएगा रेशियो, तीन तीन 9 बटे 3 हो जाएगा रेशियो, 1/5 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे तीन से तीन कट जाएगा, तीन तीन 9, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 अनुपात 3 अनुपात 1/5। ये 5 खत्म करना है, तो सभी में 5 से गुणा कर दो, बस पूरे में 5 से गुणा कर दो, 5 खत्म हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा रेशियो, 3 का 5 में 3 5 15 हो जाएगा रेशियो, और 1/5 का 5 में करेंगे तो 5 से 5 खत्म, तो कितना जाएगा? एक हो जाएगा, तो हो जाएगा 125 15 1, 125 15 1 आ जाएगा आपका प्रतिरोधों में अनुपात। समझ गए आप लोग यहाँ पर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।